नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की मांग, करंट लगे कर्मचारियों को मुआवजा देने पर दिया गया जोर, कर्मचारियों में जेई के गलत बयानों का जताया विरोध। बुधवार के दिन नगर परिषद पिजौर के बिजली कर्मी को लगे करंट के विषय में वीरवार के दिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई कालका के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल प्रधान लाखन सिंह और वरिष्ठ उप प्रधान ललित शर्मा लक्की शर्मा के नेतृत्व में नगर परिषद के अभियंता दर्शन लाल को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने करंट से झुलसे और ऊपर से नीचे गिरे घायल स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस कर्मी को आर्थिक सहायता मुआवजा और उसका इलाज करवाने की मांग की। वहीं पदाधिकारियों ने कनिष्ठ अभियंता द्वारा गलत बयान दिए जाने का विरोध भी जताया। इसी विषय को लेकर स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस कालका और पिंजौर के कर्मचारी एकत्रित होकर पिंजौर नगर परिषद दफ्तर में पहुँचे और उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करवाया। कर्मचारियों ने ज्ञापन पत्र में सेफ्टी टूल्स उपलब्ध करवाने पर भी अभियंता से बातचीत की। उप प्रधान ललित कुमार लक्की ने बताया कि विभाग ने आश्वासन दिया है कि झुलसे हुए कर्मी सौरभ कुमार के लिए उचित इलाज और आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। दूसरा मेरे पास रिकॉर्डेड बयान है सर, आपकी बात हुई किसी बंदे के साथ हमारे, आपने उसको कहा मेरे को एरिया का पता ही नहीं है, मेरे को दुकान का नहीं पता कहाँ से क्या सामान मिलता है। अगर आपको 7 महीने के अंदर ये चीजें नहीं पता चली सर शहर के अंदर आके, फिर आपका तो सर शाहीन आपको कर देना चाहिए यहाँ से, या आपको बदली करवा के चले जाना चाहिए, क्योंकि आप कर्मचारियों के लिए खतरा है मेरे हिसाब से। तो अगर